बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। 20 से 23 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं 19 तारीख से पार्ट 3 का एग्जाम शुरू होने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है, डेट रूटीन सेंटर लिस्ट सब आ गई है, बस एडमिट कार्ड जो है आप तक पहुंचना बाकी है, वो भी आप आज कल में रिसीव कर लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे हैं, यही है आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कुछ वेबसाइट ने अपने कॉलेज का पर्टिकुलर वो अपने वेबसाइट पर चढ़ा है एडमिट कार्ड, हम आपको दिखाएंगे 3 कॉलेज का, जो कि वो कॉलेज अपनी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाल दिए। यदि आप उस कॉलेज से हैं तो एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे, लेकिन हाँ डाउनलोड करने के बाद भी आपको कॉलेज में जाना होगा, यहाँ पर फोटो चिपकाना होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर साइन करना होगा। इसी फोटो पर आपको कॉलेज से स्टाम्प लगेगा, मुहर लगेगा, तब जाकर के सेंटर पर एंट्री मिलेगी, तब जाकर के एडमिट कार्ड वैलिड होगा। अगर ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं और घर पर रह जाते हैं, साइन मुहर आपके कॉलेज का नहीं होता है, तो फिर आपको तमाम छात्र छात्राएं एंट्री नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हैं रोल नंबर जो आपको पार्ट 1 में था वही है, जो पार्ट 2 में था वही पार्ट 3 में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में यूनिवर्सिटी रोल नंबर या आपका क्लास रोल नंबर सेम ही होता है। अच्छा, हम एक चीज और, वीवीआई क्वेश्चन जो है कल 18 तारीख है, कल लास्ट डेट है, 18 तक मिलेगा, उसके बाद से वीवीआई क्वेश्चन देना बंद कर दिया जाएगा। तो यदि आपने अपने सब्जेक्ट का अभी तक के नहीं लिया है तो इस नंबर व्हाट्सएप करके अपने सब्जेक्ट का नाम बता करके वीवीआई क्वेश्चन रिसीव कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। कुछ छात्रों के सवाल ये रहते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन बाकी जो चैनल वाले देते हैं और जो आप देते हैं काफी उसमें प्राइस का अंतर रहता है। तो तमाम छात्र छात्राएं स्टूडेंट मीडिया बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एग्जाम के लिए 2019 से क्वेश्चन गेस करवाती आ रही है, गेस क्वेश्चन पर वीवीआई क्वेश्चन पर काम करती ही आ रही है, और ये 2023 खत्म होने वाला है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी चैनल है आपको मार्केट में जो है कि कई प्रोफेसर क्वेश्चन गेस करके मार्केट में भेजते हैं लिख करके, कुछ चैनल है जो जाकर के मार्केट से खरीद के ले आती है, फोटो खींच के आपको भेज देती है, तो वो थोड़ा मोटा पैसा जो है कि 10-20 रुपए लेकर के भी यदि वो दे देती है तो फिर उसमें उसका क्या जाता है। लेकिन स्टूडेंट मीडिया बाज़ाब्ता तैयार करवाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है कि मीडियम में उस क्वेश्चन को तैयार करवाती है। ये भी ख्याल रखा जाता है कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा में लिखावट सही हो, हिंदी में लिखावट सही हो, सभी चीजें देख दा करके उसके बाद से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाए, यहाँ से टकराए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए तब तैयार किया जाता है। इसलिए जो है तमाम छात्र छात्राएं कुछ मामले में आपको लगता होगा कि आपका प्राइस जो है कि बाकी चैनल से जो है कि थोड़ा हाई है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि 5 पेपर के लिए जो चार्ज लिया जाता है स्टूडेंट मीडिया आपसे जो चार्ज लेती है वो बहुत ज्यादा है, वो नॉर्मल चार्ज है, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लग जाता है, एक महीना पहले से जो है कि आपके क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी पड़ती है। खैर, जिसका भी जहां से मन होता है ले ले, कोई बात नहीं है, मेरा बताना काम है। यदि आपको इस चैनल से चाहिए तो इस नंबर व्हाट्सएप करके कुछ मैथनेस चार्ज पे करके आप ले सकते हैं। चलिए हम आते हैं, देखिए इसमें देखिएगा तो ये है एडमिट कार्ड, आप देख पा रहे हैं 300 एडमिट कार्ड है, आप देख पा रहे। यदि हम वेबसाइट पर आए तो आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट, ये जो है जो अरे राज में कॉलेज है MSSG कॉलेज, आप देख पा रहे .ac.in इस कॉलेज का वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख पा रहे, वहां पर देख सकते हैं ये कॉलेज ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। यदि आप इस कॉलेज के, तो ये कॉलेज के वेबसाइट से आप आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इस कॉलेज की वेबसाइट पर आना होगा, उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है TDC पार्ट 3 एग्जामिनेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई प्रकार के TDC पार्ट 3 आप देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड ऑल एक्स, जो एक्स इसमें जो है इसमें कौन होगा तो 19 से 22 के स्टूडेंट जो है कि जो फेल प्रमोटेड वाले हैं उनका होगा, और 20 से 23 के जो होंगे छात्र छात्राएं वो ये वाला TDC पार्ट 3 एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड रेगुलर सेशन इस पर क्लिक करके तब जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैं यदि उस पर क्लिक करता हूं तो एडमिट कार्ड का जो सेक्शन खुलेगा आप देख पा रहे हैं, आपका जो ऑनर्स है उस ऑनर्स पर क्लिक करके आप जो है, मान लेते हैं कि यदि आपका इकोनॉमिक्स होता तो इकोनॉमिक्स का PDF खुल जाएगा, आप देख पा रहे, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिएगा तो यहाँ पर पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8 नहीं लिखा हुआ है, बस आपका ऑनर्स सब्जेक्ट लिखा हुआ है और GS लिखा हुआ है। रूटीन को देख करके आपको एग्जाम देने जाना है पेपर 5 के दिन, जो रूटीन में पेपर 5 का दिया हुआ है वो पेपर 5 हो जाएगा उस दिन, उसके बाद से रूटीन में जिस दिन पेपर 6 का दिया हुआ है उस दिन 6 हो जाएगा। और ये डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है इसका मतलब है कि एग्जाम का शुरुआती डेट है, ठीक इसी दिन आपका पेपर होगा, इसका मतलब ये नहीं होता है, ये एग्जाम का शुरुआती डेट है कि इस दिन से एग्जाम शुरू किया गया
और आपका पेपर कब है आप रूटीन से देख लीजिए। तो ये तो एक कॉलेज का हुआ। यदि हम और कॉलेज के दिखाएं तो आप देख पा रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं, ये एमएस कॉलेज मोतिहारी, इन्होंने भी अपने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया। तो mscollege.ac.in आप गूगल पर सर्च करके आ सकते हैं इस वेबसाइट पर, और यहां से आप देख पा रहे टीडीसी पार्ट 3 एडमिट कार्ड 2023 यहां पर आपको दिख जाएगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इन्होंने ड्राइव में सेव करके रखा है, ये तो ड्राइव वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करनी होगी, और हम करते हैं क्लिक। क्लिक मैंने किया, उसके बाद से आप देख पा रहे हैं फिर यहाँ पर साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, फिर आपको जो कि इसके अंदर जानी है तमाम छात्र छात्रा, आप इसके अंदर जाएंगे तब आपको जो कि आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज खुलेगा। अच्छा देखिएगा, तो यहाँ पर है ये एक्स रेगुलर प्रमोटेड 19 से 22 वाले, देखो 19 से 22 वाला है ये, उनका एडमिट कार्ड है। कोई 18 से 21 के स्टूडेंट है, पार्ट 3 में फेल हो गए थे, तो 18 से 21 वाले आपका लास्ट अटेम्प्ट है पार्ट 3 का। तो यदि 18 से 21 वाले आपने फॉर्म भरा है तो आप इस वाले सेक्शन में अपना एडमिट कार्ड खोजेंगे। वहीं जो 20 से 23 वाले हैं, बस जो रेगुलर रेगुलर जहां पर भी आएगा रेगुलर रेगुलर, वहां पर आप एडमिट कार्ड खोजेंगे, उस पीडीएफ में आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। तो ये दो कॉलेज हुआ। यदि हम एक कॉलेज को और दिखाएं तो आप देख पा रहे पंडित उगम पांडे कॉलेज मोतिहारी है, इन्होंने भी एडमिट कार्ड जो है कि जारी कर दी है अपने वेबसाइट पर। यदि हम दिखाएं तो आप देख पा रहे हैं pupcollegemotihari.com आप डालेंगे गूगल पर तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा, और यहीं पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ स्क्रॉल करता हुआ ये जा रहा है। देखिए पार्ट 3 20 से 23 एडमिट कार्ड इज लाइव नाउ, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, कुछ ऐसा सो हो रहा है। इस पर आपको जो है कि एक बार क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप जो है कि रेगुलर स्टूडेंट है। देखिए 20 से 23 वाले रेगुलर स्टूडेंट, ये आर्ट्स वाले के लिए है, फिर वही 20 से 23 वाले साइंस वाले के लिए है, उसके बाद से आप देख पा रहे 20 से 23 एडमिट कार्ड कॉमर्स वाले के लिए। तो ऊपर ये 20 से 23 वाले आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए, आप जैसे ही नीचे आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है आप देख पा रहे टीडीसी पार्ट 3 20 से 23 एडमिट कार्ड, लेकिन यह फेल वालों के लिए, ठीक 20 से 23 के साथ एग्जाम तो देना है लेकिन ये फेल या प्रमोटेड होंगे या एक्स होंगे, वो कौन होगा? तो 19 से 22 वाला होगा, 18 से 21 वाला होगा। फिर आप 19 से 22 या 18 से 21 के हैं, आप इस कॉलेज के हैं, तो आप इन तीनों में खोजेंगे। ये ऊपर साइंस का है, मतलब कि आप देख पा रहे क्या है, हाँ ये आर्ट्स का है, ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है। तो फेल या रेगुलर, फेल या जो जो प्रमोटेड है, प्रमोटेड तो पता नहीं है, मतलब एक्स है, मतलब कि 18 से 21 के आप है या 19 से 22 के हैं और आप इस कॉलेज से हैं, तो आप इस तीनों में एडमिट कार्ड खोजेंगे। वहीं आप 20 से 23 वाले हैं तो आप देख पा रहे हैं ऊपर ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स का दिया हुआ है, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज खुल जाएगा। जैसे कि यदि मैं भोजपुरी का देखूं, नहीं भोजपुरी में नहीं, इंग्लिश में देखते हैं, पता नहीं भोजपुरी में कादू का बच्चा होगा कि नहीं होगा। आप देख पा रहे इंग्लिश में क्लिक किया तो ये इंग्लिश वाला पीडीएफ खुल गया, सिम सिम खुल गया। हाँ आप देख पा रहे इसमें भी फोटो नहीं है, तो फोटो लेकर के जाइएगा। और देख पा रहे सभी एडमिट कार्ड में सिर्फ ऑनर्स के नाम है और जीएस के नाम है, बाकी पेपर के नाम नहीं दिए गए। तो पेपर के नाम जो है आपको रूटीन में देख करके उस दिन एग्जाम देने आपको जाना है तमाम छात्र छात्राएं। तो मैंने तीन कॉलेज के जो है कि आपको दिखा दिए हैं एडमिट कार्ड जो कि अपने वेबसाइट पर जारी कर दिए। बाकी जो कॉलेज वेबसाइट पर जारी नहीं करती है वो कॉलेज में जा करके जो है तमाम छात्र छात्राएं आपको पता करना होगा। आज संडे है लेकिन आज भी कॉलेज में एडमिट कार्ड दिया जाएगा, तो आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। बाकी मैंने आपको दिखाया तीन कॉलेज का कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इस तीन कॉलेज का, और एडमिट कार्ड कैसा दिख रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।